नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शेफ उदय। फिर से आज आपके लिए एक वेज डिश लेके आया हूं। जी, वेज डिश जो कि हम आज बनाएंगे भिंडी दो प्याजा। भिंडी देख के आप समझ ही गए होंगे, तो आज मैं बनाने वाला हूं भिंडी दो प्याजा वेज वालों के लिए, क्योंकि मैं नॉन वेज डिश हमेशा डालता रहता हूं, तो मैं सोचा कुछ वेज वालों के लिए भी थोड़ा सा कुछ करते रहना चाहिए ना। चलिए तो हम बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भिंडी दो प्याजा बनाना स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम बनाते हैं। भिंडी दो प्याजा के लिए भिंडी हम थोड़ा बड़ा काटेंगे ना। भिंडी हमारा कट चुका है। बगैर किसी देरी के अपना भिंडी दो प्याजा बनाना स्टार्ट करते। तो आइए, चलिए, ये आ गया हमारा पैन। चलिए जी, ये आ गया हमारा ऑयल। ये डालना है हमें, रेड चिल्ली हो गया हमारा, थोड़ा जीरा अजवाइन, और हम डालेंगे गार्लिक। अब मैं अनियन डालूंगा। हमें ऑयल थोड़ा ज्यादा रखना है भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए। आप चाहें तो कच्ची भिंडी से भी भिंडी दो प्याजा बना सकते हैं, और फ्राई भिंडी से भी। स्पाइस पे अगर आप देखेंगे तो अगर डायरेक्ट भिंडी बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट अलग आएगा, और फ्राई करके बनाएंगे उसका अलग आएगा। तो मैं ज़्यादा रेफर करूँगा कि हम कच्ची भिंडी से भिंडी दो प्याजा बनाएं। अब मैं इसमें डालूंगा अपने ग्रीन चिल्ली। नहीं, भिंडी दो प्याजा कोई भी प्याजा हो, चिकन प्याजा, पनीर प्याजा, भिंडी प्याजा, कोई भी प्याजा हो, अगर आप स्प्रिंग ऑनियन का अगर वो नीचे वाला पार्ट डालेंगे ना, बेबी ऑनियन, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने डाला इसमें नॉर्मल ऑनियन को छोटा छोटा कट करके। अगर आप ऑयल में हल्दी डालेंगे तो उससे कलर अच्छा आता है आपका। अभी आ गया टाइम भिंडी डालने का। अब आप पूछेंगे कि अगर कच्ची भिंडी बनाएंगे तो इसमें से वो लंग्स ही तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक तरीका होता बनाने का, आप इसमें थोड़ा लेमन जूस डालेंगे फिर नहीं होगा। ये भिंडी को ढकना नहीं है, अगर ढक देंगे तो 101% आपका लंग से भिंडी हो जाएगा। भिंडी को इस तरीके से पकाएं कि वो पानी ना छोड़े। अगर पानी नहीं छोड़ेगा ना तो वो आपका लंग से नहीं होगा। अगर आपने पानी उस भिंडी ने छोड़ा तो आपका लंग से होगा 101%। तो अभी मैं इसमें सॉल्ट नहीं डालूंगा। देखिए जी, आधे लोग तो इसे डर से कच्चा नहीं बनाते, क्यों कहीं उनका भिंडी पानी ना छोड़ दे, वो फ्राई करके बनाते। लेकिन जो टेस्ट कच्चा भिंडी बनाने में आएगा वो फ्राई करके नहीं आएगा। बस का सही तरीके से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको भिंडी बनाने में। थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि अब पानी नहीं छोड़ेगा ना भिंडी। पहले सॉल्ट नहीं डालना हमें, पहले डाल देंगे तो फिर पानी छोड़ देगा। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। लो जी, ये प्याजा हो गया अपना। अलग से मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं,
सादा सिंपल एकदम। देखिए हमारा भिंडी ऑलमोस्ट पकने वाला है। अच्छा हमें अब डालना है टमाटर। अगर पहले डालेंगे तो पानी छोड़ेगा भिंडी, जिससे आपका भिंडी पूरा लंसी हो जाएगा, है ना। तो मैं डालूंगा अब टमाटर। हमें कोशिश करनी कि हमें हर वो चीज नहीं डालनी जिससे भिंडी पानी छोड़े। अगर पानी छोड़ देगी तो फिर भिंडी पूरा लंसी हो जाएगा। हमें हर वो चीज नहीं डालनी जिससे पानी आए। ढकना भी नहीं, भिंडी को ढक के नहीं पकाएंगे। अगर आप ढक के पकाएंगे तो फिर पानी छोड़ेगी। बहुत से लोग इसीलिए फ्राई करके बनाते हैं क्योंकि वो बन नहीं पाते सही से, है ना। भिंडी बनाना बहुत टेढ़ी खीर भी है, मैं आपको बताऊं। इन सब बातों को बहुत ध्यान में रख के भिंडी पकाई जाती है, क्योंकि पानी छोड़ा तो फिर आपकी भिंडी नहीं बन पाएगी। चलो जी, हमारी ऑलमोस्ट भिंडी पक गई है। कलर देखिए कितना प्यारा है, देखिए कोई लम्सी नहीं, कोई कुछ नहीं। बस हमें सही चीज़ सही टाइम पर डालना, ये बहुत ध्यान में रखना है हमें। मैं हल्का लेमन डालूँ खटास के लिए, भिंडी हल्की खट्टी होना ज़रूरी है। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं, मैं डालूँगा लेमन। चलो जी, और ये फाइनल शॉट अपना धनिया जो मेरा प्रिय मित्र है, और ये जिंजर जो कि मैं हर डिश में डालता हूँ। चलो जी, अपना भिंडी तो प्याजा बनके एकदम रेडी है होटल स्टाइल। और हर डिश आप शेफ उदय के साथ घर पर बनाएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। चलिए जी, मैंने आपको भिंडी बनाना भी सिखा दी, भिंडी तो प्याजा होटल रेस्टोरेंट जैसी, अब आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। चलो जी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।